So now it's time for PSM. From PSM, you will get around 40 to 45 MCQs. Abhi recently, agar aap dekho, is chote si window se question aaya tha, generation time. So what is generation time? Means mnemonic ke jam portal. Right? So jam means generation time is equal to entry to maximum infection. Theek hai? So definition kya hui? Time between the entry of organism to produce maximum infection. So this is the mnemonic. Aise incubation period ka bhi same mnemonic hai. IES officer, latent period, serial interval. So these are the mnemonic jo definitely aapko help karenge. Now what is PERD index? Chota sa topic hai. Generally contraception ke failure rate ko batata hai. So most commonly hum kya use karte hain? PERD index. Theek hai, lekin agar aapse koi puche nahi best method batao to assess ya for the efficacy of contraception failure, the answer is life table. Abhi baad mein sab likha hua hai, I let you know everything. So PERL index ko hum log define karte hain per 100 women year, right? Question puchte hain kaise define karte hain. So answer is per 100 women year. Family size is very important for family planning. Theek hai na, agar aapko family planning karni hai to aapko pata hona chahiye family size kitna hai. Basic cheeze pata hona zaruri hai. Now type of epidemic, very important. Point source, continuous, propagative. So point source ka matlab hai sudden rise, sudden fall. Koi bhi secondary wave nahi hoti. Question, secondary wave nahi hoti. Iska matlab kya hua? Sare ka sara infection all within one IP, within one incubation period. Means ek saath aaya, ek saath chala gaya. So jaise Bhopal ke strategy, matlab sudden koi cheez hui aur wo khatam ho gayi. Food poisoning. आपने देखा होगा हॉस्टल्स में क्या होता है, एमबीबीएस में किसी एक मेस वाले को टाइफाइड हुआ तो सबको टाइफाइड हो गया कुछ ही पर्टिकुलर टाइम में. सो दिस इज पॉइंट सोर्स, किसी एक इंसान से या किसी एक प्रॉब्लम से अचानक से चीजें फैल जाना, पॉइंट सोर्स. कॉन्टिन्यूस का क्या मतलब होता है? कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है कि सेम सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, सेकेंडरी वेव आपको मिलेगी. जैसे कॉन्टामिनेटेड वेल है, कोई कुआ है वो इन्फेक्टेड हो गया है तो लगातार उससे जो भी उसमें नहाने जा रहा है उसे इन्फेक्शन हो रहा है, वो लंबे टाइम तक चलती रहती है प्रॉब्लम. जैसे प्रोस्टिट्यूट है ना, किसी को कोई एसटीडी है किसी इंसान को, उसके थ्रू फैल रहा है धीरे धीरे. सो दिस इज कॉन्टिन्यूस. नाउ प्रोपोगेटिव, प्रोपोगेटिव का मतलब होता है पर्सन टू पर्सन इन्फेक्शन. जैसे हेपेटाइटिस ए है, पोलियो है, तो ये बहुत कॉमन है. कोई भी आपसे पूछे अगर पर्सन टू पर्सन इन्फेक्शन हो रहा है तो समझ जाओ दिस इज प्रोपोगेटिव. सो आंसर है ईजी है, क्वेश्चन पूछे गए हैं. नाउ कम टू डेमोग्राफिक साइकिल, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. देखो इसको याद करने का तरीका क्या है. हेल्ड, हेल्ड इज द निमोनिक, राइट? एच ई एल एल डी. सो दिस इज हाई स्टेशनरी एंड दिस इज लो स्टेशनरी. तो जब भी हाई और लो स्टेशनरी, मतलब जहां भी स्टेशनरी शब्द है ध्यान से समझना, इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे बर्थ रेट और डेथ रेट बराबर है. मींस जो ग्रोथ रेट है वो जीरो हुआ, ठीक है ना, क्योंकि बर्थ रेट और डेथ रेट बराबर है, सिंपल सी बात है. जहां पर भी एक्सपेंडिंग शब्द आ रहा है, चाहे वो अर्ली हो या लेट एक्सपेंडेड हो, जहां भी एक्सपेंड शब्द आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे बर्थ रेट एक्सपेंड हो रही है, यानी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब बर्थ रेट ज्यादा है किससे, डेथ रेट से. इसका मतलब जो ग्रोथ रेट है हमारा वो पॉजिटिव है, मतलब हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, राइट? एंड फेज फाइव में डिक्लाइनिंग, डिक्लाइनिंग का मतलब होता है ग्रोथ रेट जीरो है, मतलब सॉरी माइनस में है ना, मतलब नेगेटिव है. इसका मतलब क्या है, वहाँ पे पॉपुलेशन कम हो रही है. या दूसरी चीज़ हम ये भी कह सकते हैं कि वहाँ पे ओल्ड एज थोड़ी सी ज़्यादा है ना, ओल्ड एज में लोग ज़्यादा हैं, राइट? अब देखो इस पर क्वेश्चन क्या पूछते हैं. सबसे पहले पूछा जाता है कि अर्ली एक्सपेंडिंग में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं. ये सबसे ज़्यादा पूछते हैं. क्यों पूछते हैं? क्योंकि इसमें ग्रोथ का एक्सप्लोजन होता है. क्यों होता है? क्योंकि इसमें बर्थ रेट काफ़ी ज़्यादा होता है डेथ से, राइट? इसलिए मैक्सिमम ग्रोथ रेट है, हाई फर्टिलिटी होती है, तभी तो ग्रोथ रेट ज़्यादा है, तभी तो बर्थ रेट ज़्यादा है, राइट? सो पॉपुलेशन स्टार्ट एक्सपेंडिंग, सो ये अर्ली एक्सपेंडिंग पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं. अब पूछते हैं भाई बताओ इंडिया किस फेज में आता है. सो आंसर इज फेज थ्री, यानी लेट एक्सपेंडिंग में इंडिया को आता है. दिस इज इंडिया एग्जाम्पल. इसका क्यों है? क्योंकि इसमें भी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है लेकिन फेज टू से कम इंक्रीज हो रही है, ठीक है? सो आंसर इज फेज थ्री में इंडिया आता है.
बाकी डिक्लाइनिंग में जो वो सारी कंट्री जिसकी पॉपुलेशन कम होती जाए, जैसे हर हंगरी है, ऑस्ट्रिया है, उसकी पॉपुलेशन कम हो रही है. सो दिस इज डेमोग्राफिक साइकिल. कुछ ये निमोनिक है जो आप, जो मैंने आपको निमोनिक बताया ये इसमें दिए हुए, अगर आप पढ़ोगे तो आप आराम से ये विंडो समझ सकते हो, क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो. नाउ इट्स टाइम फॉर फर्टिलिटी रेट. वाओ, फर्टिलिटी रेट वेरी इंपॉर्टेंट. इसको मैंने काफ़ी आसान बना दिया है. सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं. नाउ कॉन्सेप्ट बाय डॉक्टर वरुण. आई लव टू ब्रेक कॉम्प्लेक्स थिंग इनटू सिंपल. ऐसा मैंने क्यों बोला, आप देखो मैं इसको कितना आसान बनाने वाला हूँ. सो बेसिकली GFR एंड TFR, यानी GFR एंड TFR फॉर चिल्ड्रन, ठीक है, एंड GRR एंड NRR इज फॉर डॉटर, ठीक है. सो GFR TFR यानी ये दोनों हो गए फॉर चाइल्ड, ठीक है. GRR एंड NRR फॉर डॉटर, राइट. सो ये तो कन्फ्यूज, अगर आप समझ सकते हो, अगर TFR में क्वेश्चन में दिया हुआ है डॉटर, इसका मतलब वो ऑप्शन गलत है, राइट. और NRR में अगर चिल्ड्रन दिया हुआ है तो भी वो क्वेश्चन ऑप्शन गलत है. सो पहले इसका मतलब क्या हुआ, शुरुआत के दो फॉर चाइल्ड चिल्ड्रन एंड नीचे के दो दिए हुए फॉर डॉटर, ईजी है, ठीक है. अगेन आगे चलते हैं. डोंट फॉरगेट टू पॉइंट अबाउट NRR. क्या है वो दो पॉइंट, इसमें एक तो न्यूबॉर्न दिया है, दूसरी बात एंटायर लाइफ दी है. क्वेश्चन यहाँ से ही घूमते हैं, राइट. सो NRR में न्यूबॉर्न के बारे में, न्यूबॉर्न गर्ल के बारे में बात की गई है, एंड एंटायर लाइफ के बारे में कमेंट किया गया, राइट. बाकी सब में ऑल रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, जैसे रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के बारे में बात हुई है GFR में, TFR में भी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के बारे में बात हुई है, GRR में भी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के बारे में बात की है. नाउ कम टू बेसिक पॉइंट, GFR एंड TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट एंड दिस इज ग्रॉस फर्टिलिटी रेट. तो ये दोनों लगभग सेम है, ठीक है. बस फर्क इतना है, TFR थोड़ा ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, इसीलिए 23 में पूछा गया है. इट इंडिकेट मैग्नीट्यूड ऑफ कंप्लीट फैमिली साइज, राइट. तो ये ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, आप इसमें पढ़ लेना क्या होता है. नाउ GRR का मतलब है टोटल, मैंने जैसे आपसे कहा नीचे के दो इस फोर डॉटर, है ना, ऊपर के दो किस लिए, फोर चिल्ड्रन, ठीक है. तो डॉटर यहाँ भी आएगा, डॉटर यहाँ पर भी आएगा. सो GRR को अगर हम TFR को दो से डिवाइड करें देन यू विल गेट GRR. ऐसे ही एन नेट रिप्रोडक्टिव रेट, ये सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, बेस्ट इंडिकेटर फॉर फर्टिलिटी, ठीक है ना. सो अगर आपसे कंप्लीट फैमिली साइज के बारे में बात किया जाए तो आंसर इज TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट, और अगर आपसे बेस्ट इंडिकेटर ऑफ फर्टिलिटी पूछा जाए तो आंसर इज NRR, ठीक है. हमारा टारगेट है कि NRR किसी तरह 1 हो जाए, तो दिस इज द रिप्लेसमेंट ऑफ फर्टिलिटी. क्वेश्चन है टू द पॉइंट, इसलिए मैंने आपको बताया. सो दिस इज द क्वेश्चन आस्क इन CMS 23. इसमें देखो दिया हुआ चिल्ड्रन, राइट. सो या तो इसमें TFR होगा या GFR होगा, ठीक है. नाउ आगे क्या दिया हुआ है, पास थ्रू रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, बिल्कुल ठीक है, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप तो सब में आएगा. बियरिंग चिल्ड्रन एट सेम रेट, यानी इसमें स्पेसिफिक रेट की बात कर दी. मैंने आपसे क्या कहा, TFR इज मोर स्पेसिफिक, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी. किसी ने मुझे मैसेज किया कि आप आसान क्वेश्चन बताते हो, आसान क्वेश्चन रिपीट नहीं होते. रॉन्ग, गलत बात है. देखो कैसे, अल्फा फिटोप्रोटीन इंक्रीज इन आंसर इज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट. आप UPSC CMS का 2005 का पेपर देख लो, 2010 का देख लो, 2015 देख लो, 20 देख लो, 23 देख लो, और आने वाले 5 साल बाद भी आप देख लेना, यही क्वेश्चन आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न ही है, राइट. UPSC CMS ने एक बार जो टॉपिक पकड़ लिया उसी को वो बार बार रिपीट करेगा. ICDS आना है तो आना है, वैक्सीन आ रही है ना, सेम टॉपिक रिपीट हो रहे हैं ना. सो UPSC CMS का फिक्स पैटर्न है. आशा 5 साल पहले भी पूछते थे, आज भी पूछ रहे हैं, थोड़ा सा डीप डेप्थ में पूछेंगे डेफिनेटली, बट आपसे पूछ सकते हैं, राइट. आयुष्मान भारत ज़रूर पढ़ लेना. आयुष्मान भारत स्कीम, मुझे मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे लगता है 2024 में भी इससे क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि आयुष्मान भारत हमारे इंडिया की नंबर वन
सबसे लार्जेस्ट हेल्थ स्कीम है, उसके बारे में भी मैं आपको अलग से टॉपिक बताऊंगा, बट फिर भी दो तीन बातें बता दूं। 5 लाख पर ईयर पर फैमिली में बेनिफिट होता है, एक फैमिली को 5 लाख रुपए का बेनिफिट मिलता है एक साल में। कोई भी फैमिली में चाहे 10 आदमी हो, 50 हो चाहे 20 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने भी फैमिली में लोग हो, सारी फैमिली कंप्लीट फैमिली को 5 लाख का पैकेज मिलता है। इसका बेनिफिट तभी होगा जब आप पेशेंट को एडमिट करोगे। इसमें एक पैकेज होता है, किसी का हार्ट टूटा है, बोन बोन फोराम है, उसका अपना पैकेज है, फीमर का फ्रैक्चर है तो अपना पैकेज है, डिलीवरी करानी है, सीजरियन सेक्शन कराना है तो अपना पैकेज है। तो पैकेज के अकॉर्डिंग इसमें ट्रीटमेंट होता है और ये काफ़ी फेमस हो रखा है इंडिया में, तो मुझे लगता है 24 में इससे क्वेश्चन आ सकता है। वेक्टर बोन डिजीज ऐसा टॉपिक है जो क्वेश्चन आना बनता ही है, राइट? आप देखो वेक्टर बोन डिजीज से ये भी क्वेश्चन आया, वैक्सीन है ना, अगेन दिस इज वैक्सीन, वेरी इजी, ठीक है ना। सो ऐसे क्वेश्चन है, काफी एमसीक्यूज रिपीट हुए हैं। सो मैं बेसिकली आपको दिखाना चाह रहा था कि जनरेशन टाइम वाला क्वेश्चन कह रही हो, दिस इज जनरेशन टाइम। सो उसमें पूछा गया है इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन रेसिप्ट ऑफ इन्फेक्शन, यानी मैंने आपको याद करा जैम पोर्टल है ना, जी फॉर जनरेशन टाइम, ई फॉर एंट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म, राइट, एंड एम फॉर मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी। सो जैम पोर्टल इज द निमोनिक फॉर जनरेशन टाइम। हो सकता है आने वाले टाइम में आपसे इनक्यूबेशन पीरियड पूछ ले, लेटेंट या सीरियल, वॉट एवर, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। नाउ कम टू वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी इजी टॉपिक, मीन्स क्लॉस्ट्रिडियम। सो क्लॉस्ट्रिडियम जनरली गैस गैंग्रीन के लिए जाना जाता है, राइट? सो निमोनिक इज पीएनएस, पीएनएस लीड टू गैस गैंग्रीन, राइट? सो परफ्रिंजेंस, नोवी एंड सेप्टिकम, ये तीनों मिलके गैस गैंग्रीन करते हैं, राइट? और गैस गैंग्रीन को हम मेलेनी सिनर्जिस्टिक गैंग्रीन भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है 23 में, राइट? सो वॉट इज, अगर हम क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिंजेंस को आगे भी याद करें तो इट इज ग्रैम पॉजिटिव एनएरोबिक स्पोर बेसिलाई, राइट? सो यही स्पेसिफिक पॉइंट है, इजी पॉइंट है, आपको याद होना जरूरी है। सो क्लॉस्ट्रिडियम डेफिसाइल क्या करता है? सीडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस करता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, राइट? एंड क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम ये फूड पॉइजनिंग करता है, फूड पॉइजनिंग में आपको डिप्लोपिया, डिसार्थिया, डिस्फेजिया भी मिलता है। नाउ लेट्स सॉल्व द एमसीक्यूज, ये क्वेश्चन 23 में पूछा गया है। गैस गैंग्रीन किससे होती है? आंसर इज परफ्रिंजेंस, वैसे तो पीएनएस से होता है बट पीएनएस में केवल ऑप्शन में परफ्रिंजेंस दिया हुआ है। अगेन 23 में, सोचो इतना इजी क्वेश्चन एंड इतना स्पेसिफिक टॉपिक को बार बार दो बार रिपीट हुआ है 23 में। इसमें क्या पूछा, द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गैस गैंग्रीन इज ट्रू, सो इट इज ग्रैम पॉजिटिव एनएरोबिक स्पोर प्रोड्यूसिंग बेसिलाई, ऑलरेडी मैंने आपको बताया। नाउ 15 में पूछा गया, एक पेशेंट को डायबिटीज है, ऑब्वियसली अगर किसी में डायबिटीज़ है तो उसका मतलब उसका इम्यूनिटी कम है, तो उसमें स्प्रेड ऑफ गैंग्रीन ज़्यादा है, ऑब्वियसली अगर इम्यूनिटी कम है तो स्प्रेड ऑफ गैस गैंग्रीन इज ड्यू टू, आंसर इज मेलेनी सिनर्जिस्टिक गैंग्रीन, ऑब्वियसली एक ही बात है। 16 में आया था सीडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस इज कॉज बाय द क्लॉस्ट्रिडियम डेफिसाइल। 6 में क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक पॉजिटिव एजेंट फॉर गैस गैंग्रीन। सो गैस गैंग्रीन कौन कौन करता है? पीएनएस, P4 परफ्रिंजेंस, N4 नोवी, S4 सेप्टिकम। सो आंसर इज डिफिसाइल। डिफिसाइल क्या करता है? सीडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस, राइट?